कमल का निशान दिखाया था, उसके बाद मोदी के खिलाफ जो केस है उसके ट्रांसफर की मांग की गई है। मोदी ने कमल का निशान दिखाया था और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि गुजरात में सही जांच नहीं होगी, क्योंकि गुजरात पुलिस ने नरेंद्र मोदी को 2 FIR में क्लीन चिट दे दी थी और गुजरात से बाहर मामले की जांच हो, ये कांग्रेस ने डिमांड की है। गुजरात में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मिथिलेश मुझे बताएंगे, मिथिलेश पूरी डिटेल दीजिए, क्विक अपडेट। जी बिल्कुल राशिद, पहले से ही मालूम है नरेंद्र मोदी की सरकार, गुजरात में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मिथिलेश मुझे बताएंगे, मिथिलेश पूरी डिटेल दीजिए, क्विक अपडेट। जी बिल्कुल राशिद, पहले से ही मालूम है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, प्रशासन पर आरोप लगते रहे हैं कि वहां पर निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है। यही वजह है कि अब जब खुद नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में हैं, ऐसे वक्त में कांग्रेस के लीगल सेल के सचिव केसी मित्तल ने चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर गुजारिश की है कि चूंकि गुजरात में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता इसलिए इस केस को ट्रांसफर किया जाए। आपको मालूम है उन्होंने चुनाव के दिन ही कमल का निशान दिखाया था, अपनी उंगली पर कमल का निशान बनाकर दिखाया था। ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ये वोटरों को प्रभावित करने का तरीका है। अब जब चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने की बात कह दी है तो वो केस गुजरात से बाहर दर्ज हो, उसकी सुनवाई बाहर हो, ताकि वहां पर निष्पक्ष जांच हो सके। ठीक है, आप रहिए, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में बने हुए हैं, अमेठी और काशी के अलावा हम सुल्तानपुर की भी बात करेंगे, प्रतापगढ़ की भी बात करेंगे, हम हाजीपुर की भी बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि हाजीपुर में 37 सालों में जितने भी सांसद बने उन सभी का नाम राम ही रहा, क्या इस बार फिर से राम होगा या राम को राम राम हो जाएगा। इन सभी खबरों पर बने रहेंगे, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद रहेंगे एक छोटे से।